आप देख रहे हैं india.com और यह है इतिहास का आज का अंक। आज 1 फरवरी है। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का गठन किया, जिसके जिम्मे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबंधन था। घरेलू हवाई अड्डों की देखभाल के लिए 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया, लेकिन इन दोनों संगठनों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के अंतर्गत AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1995 में विलय कर दिया गया। तब से नागरिक उड्डयन में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑपरेशन तक सभी की जिम्मेदारी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। आज के दिन 1977 में भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ था। 25 अगस्त 1976 को एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत इस बल का गठन हुआ। उद्देश्य 2,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा समुद्री क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना था। ये बल भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी समुद्री क्षेत्र में लिविंग और नॉन लिविंग संसाधनों की सुरक्षा करता है, समुद्री लुटेरों से भारतीय जहाजों को संरक्षित करता है और इस बल की कुल संख्या इस समय 5,440 है। 1977 में 1 फरवरी को भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना दिल्ली के चाणक्यपुरी में की गई। 11 एकड़ में फैले इस संग्रहालय में भारतीय रेलवे की शुरुआत से अब तक के सफर की झलक आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत रोमांचक होता है रेल म्यूजियम जाना, इसलिए अगर आप दिल्ली दर्शन पर निकलते हैं तो बच्चों को यहां जरूर लेकर जाएं। विज्ञान जगत की उपलब्धियां हमें अक्सर रोमांच के एक नए आसमान पर ले जाती हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक घटनाएं दिल को दहला भी देती हैं। 2003 में 1 फरवरी को नासा का अंतरिक्षयान कोलंबिया अपने स्पेस मिशन को पूरा कर वापस धरती पर लौट रहा था। अमेरिका के टेक्सास के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन ये यान धरती को चूमता इससे पहले इसमें विस्फोट हो गया और इसमें सवार भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने पहली बार मिक्स डबल्स का खिताब जीता था 2009 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ये वो दौर था जब भारत में क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा किसी खेल की चर्चा अगर होती थी तो वो था टेनिस। इतिहास के आज के अंक में इतना ही, हम फिर मिलेंगे।